जो देवताओं को दुर्लभ सुख है उस सुख का इस संसार में भोग करेंगे और शरीर छोड़ने जाए उनका लोक भी बन जाएगा परलोक भी बन जाएगा। और आपको क्या चाहिए बताओ? जो दुर्लभ भोग को इस जीवन में प्राप्त कीजिए और मृत्यु के पश्चात आप भगवान को प्राप्त कर लीजिए। मैं पहले बार जब विदेश गया वहां मेरे पास जब अंग्रेज आवे या यूरोपियन अमेरिकन तो वो मेरे से जब बात करें आप क्या हमें बताना चाहते हैं? हमारा धर्म ये कहता है तो उनको मैं सरल भाषा में यही कहता इफ यू वांट टू गो हेवन आफ्टर डेथ यू मस्ट गो टू चर्च देयर आर एजेंसी देयर इज सेंडिंग देयर आई नो एजेंसी But if you want to enjoy heavenly enjoyment in your present life, come to me. I will teach you that process through which you will achieve divine enjoyment in your present life. Not after death. No need to wait timeless years in that, you know, burial place. आप लोग जानते कि पहले ये जो मिडिल ईस्ट के धर्म है इनका ये नियम है कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा लेकिन नॉट एट वंस, फिर मरने के बाद तुम दफनाए जाओगे और जब जजमेंट डे आएगा कब आएगा नोबडी नोज़, जजमेंट कब आएगा लेकिन आएगा। जब आएगा उस दिन तुम कब्र से उठोगे और उठ करके परमात्मा के दरबार में पेश किए जाओगे। यदि आप बिलीव करते हैं परमात्मा में अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट इफ योर फेथ इन मोसेस देन यू विल अचीव हेवन, अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट मैंने जानना चाहता है नई बाइबल पुरानी बाइबल न्यू टेस्टामेंट मैंने नया समझौता और ओल्ड टेस्टामेंट मैंने पुराना समझौता। तो क्रिश्चियन कहते हैं कि वो ओल्ड टेस्टामेंट पुराना समझौता जो मोसेस के साथ खुदा ने की थी कि हमारे में फेथ रखने वाले को आपको स्वामित्व भेजना होगा और वो पुराना हो गया इसलिए क्रिश्चियनों ने कहा कि नो दिस इज न्यू टेस्टामेंट नया समझौता है परमात्मा के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाज डन बाय जीसस क्राइस्ट। इफ यू विल बिलीव जीसस क्राइस्ट एज योर ओन सेवियर देन यू विल गो टू हेवन नॉट अदरवाइज। अब हमारे मुसलमान भाई आए वो कहते हैं नहीं ये दोनों ही बेकार है ये तो सब चले गए। फिर उस जजमेंट दिन के समय में यदि आप ये कहोगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह और इफ यू हैव डीप फेथ इन मोहम्मद देन यू विल अचीव हेवन। ये तीनों धर्म एक ही रास्ते के हैं एक ही प्रक्रिया के हैं लेकिन तीनों की मान्यताओं में बड़ा अंतर बहुत अंतर इसका समय नहीं बताने का लेकिन ये इंडिकेट किया मैं वहां पर मरने के तुरंत बाद आपकी गति दुर्गति नहीं होगी आपके कर्मों का फैसला होगा जजमेंट डे के बाद। वो जजमेंट डे न्याय का दिन कब आएगा क्या उसका कोई पता नहीं कब इंतजार करो पड़े पड़े। एक दिन मेरे पास एक पागल आया लंदन आश्रम में बैठा हुआ था मेरे से कहने लगा स्वामी जी हमारे तो चर्च बिक रहे हैं कोई चर्च में आने के लिए तैयार नहीं और आप लोग नए नए चर्च बना रहे हो यहां पर ये मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर लोग हमारे यहां से भरकर आप यहां क्यों आ रहे हैं। मैंने उससे कहा हम कहा कि भैया इसका एक सरल सा रास्ता है मैं आपको समझा दूं। आप लोगों को ज्ञात है ना कि आपका धर्म सिखाता है कि जीते भी तो हवन की कल्पना नहीं इसमें मरने के बाद हेवन मिलेगा वो भी तुरंत नहीं बहुत प्रतीक्षा के बाद। अब आजकल वैज्ञानिक युग है
इसमें लोग शॉर्टकट मार चाहते हैं, इतनी इंतजार की मादा लोगों में रही नहीं। पहले जीते भी इंतजार करें, फिर मर कर इंतजार करें, फिर उसके बाद में उनको स्वर्ग मिले, फायदा क्या? वो तो बड़ा महंगा सौदा है। क्या फिर आप क्या बताते हो? हम क्या मैं बताता हूं कि यू कम टू मी आई विल गिव दैट नॉलेज थ्रू विच यू विल अचीव हेवनली एंजॉयमेंट आफ्टर डेथ ऑफ योर प्रेजेंट लाइफ। तुम्हारे जीते भी स्वर्ग का सुख यही मिलेगा, यही मिलेगा। वो कहता है कि ऐसा कौन सा रास्ता? हमका अकॉर्डिंग टू वेदा, इफ यू लीव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू वेदा देन यू विल अचीव डिवाइन एक्सप्रेस इन योर प्रेजेंट लाइफ। दैट्स नॉट ऑल। यदि आप वैदिक विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो इसी जीवन में आपको अनंत सुख की उपलब्धि होगी। मरने के बाद कौन देखा है? इसलिए और हमारे यहां यह सिद्धांत है कि जिसकी जीते से मुक्ति नहीं हुई और मरकर मुक्त नहीं होगा, याद रखना। जिसको जीते से स्वर्ग नहीं हुआ, मरकर स्वर्ग नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपनी सागति ये तो आपने उन सुना होगा। जैसी आपकी वर्तमान की अवस्था है ऐसे तोड़ी मरने के बाद। यदि आज रात सोते समय आप भिखारी हो तो कल सवेरे उठने के आपको लोग प्रभु तो नहीं बन जाओगे, कैसे बनो? मृत्यु माने एक प्रकार की निद्रा और पुनर्जन्म माने एक प्रकार का जागना। ये वैदिक विज्ञान में समझाया गया है कि जो आज आपके पास है वही कल आपका प्रारब्ध बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, वैदिक विज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को व्यवस्थित करके उसकी विकास की दिशा अपनाओ। और रामचरितमानस में बड़े सरल शब्दों में तुलसीदास जी ने उसके विकास की दिशा का विवेचन किया। वही धर्म है जिस रास्ते से महापुरुष जाते हैं, वही धर्म कहा जाता है। जिस समय यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से, कह कौन था, सही रास्ता कौन है, तो युधिष्ठिर ने एक वाक्य में उसका उत्तर दिया, तर्को और प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो निगत स्वतंत्र। उन्होंने कहा तर्क अप्रतिष्ठित है, एक के पश्चात दूसरा कोई तार्किक आएगा उसका खंडन कर देगा, पढ़ेगा और दूसरे तर्क की प्रतिष्ठा करेगा। और वेद के मंत्र विभिन्न है, श्रुतियों विभिन्ना, एक मंत्र कहता है ये है, दूसरा कहता है ये है, किसको मानोगे आप? और दोनों अपनी जगह पर सही है, दोनों वेद के मंत्र हैं। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना और नैको मुनि यस्य वच प्रमाणम, कोई ऐसा मुनि नहीं है जिसके वचन को तुम अप्रमाणिक सिद्ध करो। सभी मुनि अपने आप में पूर्ण है, उनके वचन प्रमाण है। तो उन्होंने एक वचन तो कहे नहीं है, सब मुनियों की अलग अलग राय है, काफी कैसे निर्णय लिया जाए धर्म क्या है? तो कहा धर्म से तो तुम निहितम गुहाया, धर्म की यदि तुम खोज करना चाहते हो तो धर्म तुम्हारी गुहा में स्थित है। गुहा माने बुद्धि, गुहा माने बुद्धि। वेद में बुद्धि को गुहा कहा गया है। ऋतम पिवं पर सुकृत लोके गुहा प्रविष्ट परम अपराध है। वेद में गुहा माने बुद्धि। ये ब्रह्मचक्र जो है ब्रह्मचक्र, इस ब्रह्मचक्र को गुहा कहा गया है और उस गुहा में उस बुद्धि में धर्म प्रतिष्ठित है। मेरे कहने के प्राय कि बिना बुद्धि के धर्म नहीं जाना जा सकता। अब आप कहो कि मेरा तो गुहा में प्रवेश है नहीं, मुझे तो ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है। तो कहा कि इसीलिए तो बता रहा हूं, धर्म से तब तुम निहितम गुहाया, यदि उस गुहा में प्रवेश करने की कला तुम्हें नहीं आती तो तुम धर्म को नहीं जान सकते। एक दूसरा और रास्ता है धर्म को जानने के लिए, वो क्या है? कहा महाजनों निगत असतम था, जो लोग गुहा में प्रविष्ट हो चुके हैं, जिन्होंने उस गुहा में प्रवेश करके धर्म के यथार्थ स्वरूप को जान लिया है, उनका अनुकरण करो, उनके पीछे चलो, यही तुम्हारे लिए धर्म का रास्ता है। तो वो मैं आप लोगों को बता रहा था कि गोस्वामी जी ने एक ऐसे महा पुरुष की, महान आत्मा की, महामानव की या परमात्मा की जीवनी आपके सामने प्रस्तुत की और फिलोसॉफिकल
डिस्क्रिप्शन के साथ, दार्शनिक विश्लेषण के साथ यदि आप उसका अनुकरण करते हैं तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। वही धर्म का मार्ग है। इसीलिए वाल्मीकि ने कहा रामो विद्यमान धर्म, धर्म को जानना हो राम के जीवन को देखते जाओ। राम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, राम के जीवन की एक प्रतिज्ञा है। मजे की बात आपको सुनाऊं, एक प्रतिज्ञा है। राम के सामने जब कोई अपनी बात कहता है तो राम कहते हैं बहुत अच्छी बात कही तुम, बहुत अच्छी। लेकिन किसी की बात बहुत अच्छी कहा तो नहीं होगा तुम मान लो ना। भगवान कहते हैं बात तुमने बहुत अच्छी कही है लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं मान नहीं सकता, मेरे लिए अनुकूल नहीं। कहा तो भगवान ये क्यों नहीं कहते तुम गलत कह रहे हो, कहा वो गलत कहीं नहीं रहा, भगवान कहेंगे कैसे। हर एक व्यक्ति जो बात कहता है अपने स्टेट ऑफ माइंड से कहता है, अपने मानसिक स्थिति के अनुसार कहता है, और हर एक की मानसिक स्थिति अलग है। भगवान कैसे कह दे कि जो तुम कह रहे हो गलत है। आप देखिए एक घटना, भगवान राम विराजमान है चित्रकूट में, उसी समय देखा कि उत्तर दिशा में धूली उड़ रही है और पक्षी और मृगागण भग करके आश्रम की तरफ दौड़े आ रहे हैं। भगवान उठकर खड़े हो गए, क्या है। इतने में कौन गिलों ने आकर कहा भगवान उत्तर तरफ से कोई राजा चतुरंगनी सेना लेकर आ रहा है, क्यों आ रहा नहीं, वो राजा है कौन, उसे पूछा वो राजा कौन है, कुछ नाम सुना है। बोले हाँ हाँ लोग कह रहे भरत है, भरत है। वो भरत का नाम सुनना था प्रभु का हृदय भर गया, भरत भरत आ रहा है। भगवान संकट में पड़ गए। बंधु से कोचू, इधर पिता की आज्ञा है उधर भाई का प्रेम है, क्या करूंगा, ये तो बड़ा गलत हुआ। भरत को मैं नहीं तो नहीं कह सकता, भरत के प्रेम को भगवान जानते, इसलिए भगवान संकट में पड़ गए। उनकी जो मुखश्री थी हमेशा प्रसन्न रहने वाली वो कुंभलाज भरत का नाम सुनते, लेकिन हर एक के समझने की गति अलग अलग है। भरत का नाम सुनते जैसे भगवान का मुखश्री को मिला गई, अब भगवान के मुखश्री को देख करके लक्ष्मण ने कुछ और सोच लिया, चतुरंगिनी सेना के आगमन से भगवान डर गए। अब इतना भगवान की तरफ देखना था कि लक्ष्मण ने धनुष बाण उठा लिया। लक्ष्मण लक्ष्मण प्रभु हृदय खभारू, उनके हृदय में क्षोभ हो गया है। तो भगवान लक्ष्मण को, लक्ष्मण भगवान को कब क्षुब्ध अवस्था में देख सकते हैं। तुरंत उन्होंने धनुष बाण उठाया और अपने हिक भर करके भरत को गालियां देना शुरू किया। आप सोचिए जिस भरत को राम प्राण से भी अधिक प्यार करते हैं और उस भरत को भरत का छोटा भाई, अपना छोटा भाई प्रभु के सामने खड़ा होकर के उदंडतापूर्ण शब्दों में गालियां दे रहा, कुटी लक्ष्मण कुंवर सरपाही जान राम वनवास एकाकी कोटि प्रकार कलति कुटिलारी आए दम बटोरी दो भाई। वाह, भगवान चुप है, शांत है। कभी भरत को लक्ष्मण गाली दे रहा है, ये तो अशिष्टता है, वैसे भी अशिष्टता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई को कटवचन कहे और बड़ा भाई बैठा सुनता रहे, इस स्थिति में भगवान क्यों नहीं बोले। भगवान की एक नीति, आप समझिए भगवान की क्या नीति। भगवान कौन है, बिल्कुल कौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं और लक्ष्मण बोलते चले जा रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं दुनिया में कौन ऐसा हुआ जिसको राज मद ने कलंकित न किया हो, कहीं राज मद की न कलंक। कौन ऐसा हुआ दुनिया में जिसके जिसको राज मद ने कलंकित न किया हो। और आज भरत भी राज मद पाकर के कलंकित हो गया, लेकिन एक नहीं भरत भवारी निधरे राम जानी असहारी
लेकिन भरत ने एक बात नहीं ठीक से सोचा, वो राम का निरादर जानते हैं असहाय जान करके कर रहे हैं, राम का निरादर असहाय जान करके कर रहे हैं, ये उन्होंने सही बात नहीं सोची। आज मैं उनको बताऊंगा कि राम निराश्रित है या राम का कोई रक्षक भी है। आज वो सोचे धनुष मार लेकर खड़े हो गए और ललकारते हुए कहते हैं जय सही, मैं आज भरत को किस प्रकार से समर भूमि में नष्ट करूंगा। उसकी उपमा जैसे हाथियों के झुंड को शेर हम डालता है ना, भरत हाथी नहीं है, ले लपेटी लमादी बारू, जैसे छोटी सी चिड़िया को बाल झपट लेता है, वाह उसी प्रकार से मैं आज भरत को निपति निदरी निपात खेता, आज उसी प्रकार से मैं भरत को भाई से और क्षेत्र में नष्ट कर दूंगा। वाह भाई वाह, भरत कहां कहां लक्ष्मण, क्या सही में भरत का वध लक्ष्मण कर सकते हैं, भरत का सामना लक्ष्मण कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, असंभव। भरत कौन है जानते हो? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, साक्षात विष्णु के अवतार भरत है। और ये कौन है हजरत? लक्ष्मण। जानते कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं कि शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतर भूमि भारण, ये शेष अवतार है। भरत के समान केवल भरत हैं, भरत की बराबरी भला कौन कर सकता है? जब भी कभी राम के ऊपर विपत्ति आती तो राम के मुंह से एकाएक निकलता कि हाय आज भरत होता, काश आज भरत होता। हनुमान जी लंका के युद्ध में कई बार ये बात सुन चुके कि जब कोई बात होती तब कह देते भरत होता, अगर भरत होता तो क्या करता भरत क्या कर सकते थे जो हम नहीं कर सकते। भगवान राम ने देखा कि हनुमान को यह बता देना चाहिए कि भरत क्या कर सकता है। लक्ष्मण को शक्ति लगी, भगवान ने फिर वही राग लाता कि आज भरत होता। हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा, उठकर खड़े हो गए, महाराज आप क्या कहते हो भरत भरत, आप बताओ ना आपके लिए मैं क्या करूं। भगवान ने कहा और तो कुछ नहीं करना है, सुषेण वैद्य कह रहा है कि सवेर प्रातः होने से पहले यदि यहां पर कोई मूल संजीवनी ला दे तो लक्ष्मण बच जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि वाह ये कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं लाया देता हूं। हनुमान जी वहां से चले, चला प्रभंजन सुत बल भाके, गए वहां पर। खैर लंबी कथा है, जब वहां से औषधि लेकर चले तो आ गए वो अयोध्या के ऊपर से। रास्ता वही था कि वह जान कर गए। कुछ महात्माओं ने कहा कि नहीं, हनुमान जी ने सोचा कि रास्ता तो है, चलो इधर से देखते चले भरत क्या है, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं जल्दी में थे वो, रास्ता वही था। हिमालय से लंका जाते समय अयोध्या रास्ते में ही पड़ती थी। भरत जी बैठे हुए जाप कर रहे थे, हर हर की आवाज जब सुनी आकाश मार्ग से तो बाहर निकल आए, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, तो उन्होंने देखा कि कोई निश्चर है। अरे भरत ऐसे विवेकी, ये कैसे समझ गए कोई निश्चर है? कहे प्रभु की माया, तुम बड़े विलक्षण हो मेरे प्रभु, भरत को भ्रांति हो गई कोई निश्चर है। तुरंत उन्होंने धनुष उठाया और धनुष के ऊपर बाण नहीं उठाया, बाण नहीं चलाया, क्योंकि बाण यदि मार गए तो बाण तो खाली जाता नहीं, राम भक्त का बाण है भरत का बाण है, ये खाली कैसे जाएगा। फिर बिन फल सायक मारे, ऐसा बाण मारा जो मारता नहीं केवल बेहोश करता है, और उस बाण से पर धरणी महिलागत सायक, बिना फल का बाण मारा और उससे हनुमान जी नीचे गिरा।
जब नीचे गिरे तो सुमिरत राम राम रघुनाय। भरत जी ने देखा कि तो कोई भगवान का भक्त है, पहुंच गए, खैर जगाया। हनुमान जी ने अपनी सारी कथा कही, वहां पर आया गीतावली में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत को देखकर हनुमान जी चकित रह गए कि ये राम कहां से आ गया। तो भरत ने बताया कि मैं भरत हूं। जब भरत का नाम सुना तुमको याद आ गया कि भरत राम ही की अनुहारी। अच्छा, अब भरत जी से कहा कि प्रातः काल होते होते यदि मैं नहीं पहुंचता हूं तो लक्ष्मण का शरीर छूट जाएगा, इसलिए मुझे बहुत जल्दी लंका जाना है। भरत ने कहा कि तुम्हें बहुत जल्दी लंका पहुंचना है। बोले हां। कहा फिर मेरे बाण पर चढ़ जा। चढ़ू मन सायक, चढ़ू, जैसे बच्चे कहते हैं बैठ जा बच्चे, कहा चढ़ू मन सायक, मेरे बाण पर बैठ जा। अरे कहा महाराज मैं अकेले नहीं हूं। कहा फिर, तो आकाश मंडल में वो पहाड़ था। जब हनुमान जी नीचे गिरने लगे तो पहाड़ नीचे नहीं गिरा, यदि पहाड़ नीचे गिरता तो हनुमान जी नीचे हो जाते पहाड़ के। तो तुलसीदास जी ने लिखा है अपनी गीतावली रामायण में कि हनुमान जी तो नीचे गिर गए और पवन राखेव गिर, उनके पिता पवन देव आकर के देखा कि ये तो पहाड़ मेरे बच्चे के ऊपर ही गिरेगा, तो उन्होंने उस पहाड़ को ऊपर ही थाम लिया। पर गिरे कहीं राम पवन राखे होगी, तो हनुमान जी ने दिखाया कि वो धौलागिरि पर्वत है। तो भरत जी ने कहा कि इसकी चिंता तुम्हें क्या, चढ़ हनुमान सहायक सहेल सभ्यता, बात उस पहाड़ के सहित बैठ जा तू, पठाऊ तो ही जहां कृपा निकेता, अभी मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं जहां भगवान विराजमान है अभी फिर। तो यहां पर रामायण में तो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, लेकिन गीतावली में लिखा कि हनुमान जी को यह आया कि मेरे भार से बाण इसका कैसे चलेगा। तो बैठ गए बाण के ऊपर, पहाड़ भी ले लिए, और जब भरत जी मारने लगे तो उन्होंने देखा कि ये तो मार देंगे सही में। उन्होंने कहा कि जरा रुक जाइए रुक जाइए। भरत ने कहा क्या, कहा एक मुझे प्रश्न करना है आपसे छोटा सा। क्या प्रश्न है, आपके बाण में तीव्र गति है या राम के बाण में, समस्या आ गई। आपके बाण में ज्यादा गति है या राम के बाण में। भरत जी ने कहा कि कपीश्वर भला राम के बाण का मुकाबला मेरा बाण कैसे कर सकता है, राम के बाण की गति मेरे बाण में कैसे हो सकती है। कहा महाराज फिर तो मुझे उतरने दीजिए। कहा क्यों, कहा मेरी गति तो प्रताप उरदा की गोसाई, जय हनुमाथ बाण की नाई, जही विदिदाई राम करवाना, ताही भांति चला हनुमाना। कहा प्रभु मेरी गति तो राम बाण के बराबर है, यदि आपके बाण की गति राम के बाण से अधिक हो फिर तो मैं आपके बाण पर जाऊं, और यदि उससे कम हो तो मुझे इसे जाने दीजिए। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि भरत और तुलसीदास जी लिखते भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, जात सरात मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार। तो भरत की बराबरी लक्ष्मण नहीं कर सकते, लेकिन जोश में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भरत ही समर सिखावन देऊ, आज मैं भरत को शिक्षा दे दूंगा। लेकिन भगवान राम चुप है, कुछ नहीं बोले। और आप देखिए इतने कटवचन के पश्चात भी राम कुछ नहीं बोले, और जब लक्ष्मण कह करके कहते जा रहे थे देवताओं ने आकाशवाणी की, अरे भाई चुप रहो, कोई बात बोलते समय विचारा कर, अनुचित उचित काज कछु होई, कोई अच्छा बुरा काम करो तो 10 बार सोच कर करो। देवताओं की बात सुन करके लक्ष्मण संकुचित हो गए, लजा गए कि मैं क्या बोलता गया। लेकिन भगवान ने उस पर भी लक्ष्मण को कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से देवताओं की बात सुन करके लक्ष्मण संकोच में आ गए, लेकिन राम ने बड़े प्यार से, सीता ने बड़े प्यार से लक्ष्मण को बुलाया, भैया मेरे पास आ जा।
अपने पास बैठा लिया और यह नहीं कहा कि लक्ष्मण जो तुम कहा सब गलत कहा, बिल्कुल नहीं कहा। भगवान का यह सिद्धांत है, किसी को यह नहीं कहते तुम गलत कह रहे हो। लक्ष्मण से क्या कहा, तात कही तुम नीत सुहाई वार, मेरे प्यारे भैया कितनी सुंदर नीति तूने कही है, तात कही तुम नीत सुहाई सबते कठिन राजमद भाई। हे भैया सही में राजमद के समान कोई मद कठिन नहीं होता, बड़ा प्रबल मद होता है। सो लेकिन उस राज रूपी मदिरा को पी करके वही राजा पागल होता है। कौन राजा, कहा नाहिन साधु सदाजिन से, जिस राजा ने कभी सत्पुरुषों का संग नहीं किया हुआ होता। प्रभुता पाकर के मद हो जाता है, लेकिन किसको होता है, जिसने सत्संग नहीं किया। सत्संग में बैठने वाले को मद नहीं हो सकता। भगवान राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण याद रखो, जब कोई सत्संगी सामान्य सत्संगी भी राजमद से मदांध नहीं हो सकता, तो भरत ही हो इन राजमद। या अयोध्या की राज तो कुछ नहीं है, तुच्छ है। भरत ही हो इन राजमद बिदिहारी हरपद पाई। यदि उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद दे दिया जाए तब भी उनको अहंकार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, भगवान उपमा देते हैं, कबो की काजी सीकरण छीर सिंधु बिन साय, खटाई दूध को पार देती है, ये सब जानते हैं, लेकिन काजी माने खटाई की एक सीख के ऊपर, सीख तो आप जानते हो ना, सीख बहुत पतला सा तिनका, उस पतले तिनके को डुबो दो और डुबो कर उठाओ तो उसके नोक के ऊपर जितना बिंदु जल होता है, वो कहते कबों की काजी सीकर, उसको सीकर कहते हैं, सीख के अग्र भाग पर स्थित जो जल है, जल कण, उसका नाम है सीकर। तो कबों की काजी सीकर छीर सिंधु बिन साय, और यदि काजी की उस जल कण को क्षीर सागर में डाल दो, क्या क्षीर सागर फट जाएगा, नहीं फटेगा। भरत का है वह क्षीर सागर है। भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि जिस क्षीर सागर में तुम रहते हो एक कोने में और तुम्हारे ऊपर मैं रहता हूं एक कोने में, वो क्षीर सागर जो है वो भरत का हृदय। कबों की काजी सीकरण क्षीर सिंधु बिन साय, और फिर भगवान कहते हैं असंभव संभव हो जाए, तिमिर तरुणा तरणी मकु गिलई गगन मगन मकु मेघ मिलई। कहते हैं चाहे अंधकार मध्यान्ह के सूर्य को लील ले, तीर तरुण तरणी मकु गिलई मकु माने चाहे, चाहे तरुणी माने सूर्य, तरुण माने मध्यान्ह का, तिमिर माने रात्रि, चाहे रात्रि अंधेरा मध्यान के सूर्य को निकल ले, कहे तो इम्पॉसिबल है, कहा चलो मान लेते हैं संभव हो जाए। तिमिर तरुण तरणी मकु गिलई गगन मगन मकु मेघ मिलई, चाहे बादलों को आकाश में रास्ता न मिले, अरे भाई बादल कितने होंगे कि आकाश में रास्ता नहीं मिलेगा, कहा ये असंभव संभव हो जाए। गोपद जल भूलई घटयोनी, अगस्त ऋषि जो समुद्र को सोख गए हैं वो चाहे गऊ के खुर इतने जल में डूब जाए। सहज क्षमा बल छाण छोनी, और ये कुछ भी चाहे अपनी सहज क्षमा को छोड़ दे, इतना ही नहीं मशक फूक मकु मेरु उड़ाही, मच्छर के फूकने से चाहे ये सुमेरु पर्वत उड़ जाए। मशक फूक मकु मेरु उड़ाही लेकिन होई न निप मद भरत भाई। चाहे मच्छर के फूकने से हिमालय उड़ जाए, लेकिन राम को यह असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता। भरत के ऊपर कितना विश्वास है राम का, इसीलिए तो जनक जी महाराज कहते हैं अपनी रानी सुनैना को, भरत महा महिमा सुन रानी जानई राम
भरत की महामहिमा को केवल राम जानते हैं। सुनैना ने कहा कि मेरे को आप भरत की महिमा सुनाइए। जनक ने कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं भरत की महिमा। कहा कोई जानता है? कहा राम जानते हैं। भरत महा महिमा सुनवानी जाने राम। सुनैना ने कहा कि फिर तो कोई बात नहीं, मैं अपने दामाद जी को बुला लूंगी, सुन लूंगी कभी। जनक जी ने कहा जानते तो हैं, जाने राम न सकई बखानी। वो भी कह नहीं सकते, राम के लिए भी भरत की महिमा कहना असंभव है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि यह सिद्धांत है भगवान राम का कि जो कोई उनके सामने भरत ऐसे प्रिय बंधु को जो उनके साकार प्रेम की मूर्ति है, भरतें कहें सराही सराही राम प्रेम मूरत तनवाही। तुम तो भरत मोर मकेहु धरे दे जब राम स्नेहु। राम के प्रेम की साकार मूर्ति भरत, और भरत को अपशब्द कह रहा है उनका छोटा भाई। लेकिन तब भी भगवान राम ने नहीं कहा कि लक्ष्मण तू गलत कह रहा है, कहा तूने ठीक, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता। आप जरा सोचिए, इतना ही नहीं और भी कई ऐसे समय आए हैं जबकि अनेकों प्रकार के गलत सलाह लोगों ने दिए। जैसे भरत की जैसे कथा है, ऐसे विभीषण जब राम की शरण में आया, सुग्रीव से भगवान ने पूछा क्या करना चाहिए, सुग्रीव